हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड आप लोग के लिए यहाँ पर मॉगलिक्स कंपनी से आप लोग के लिए काफ़ी अच्छी हायरिंग अपडेट आ रही है फॉर द बैच ऑफ 22 एंड 2023 बैच के लिए हायरिंग है। और यहाँ पर आपका फिर डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है 23 नवंबर को। सैलरी आपका फिर मोर देन 4.54 LPA प्लस आपको पैकेज यहाँ पर रहने वाला है। इमीडिएट जॉइनर्स आर रिक्वायर्ड है। बात करेंगे इस वीडियो में आपको अप्लाई कैसे करना होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और आपको जो है इस कंपनी के डायरेक्ट अप्लाई लिंक आपको मेरे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएंगे। और बता दो फिर मैंने इससे पहले भी आप लोग के लिए मल्टीपल हायरिंग के अपडेट्स बताए हैं अपने चैनल पर, जरूर चेकआउट करना। काफी अच्छी कंपनी यहाँ पर हायरिंग कर रही है और बहुत सारी कंपनी यहाँ पर एग्जाम के मेल भी सेंड कर दिए स्टार्ट करना। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को जरूर चेकआउट करना और आप जो है मेरे नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर देना ताकि आप लोग मेरे वीडियो को कहीं मिस ना कर सको। चलिए फ्रेंड अब आगे बात करते हैं कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा, क्या होने वाला है प्रोसेस, क्या क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट रहने वाला है। सो फ्रेंड यहाँ पर आप लोग जो है मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो मॉगलिक्स हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेशर्स हायरिंग फॉर्म। और यहाँ पर बताया गया वी आर हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रेशर्स हु विल ऑन द इंटायर STLC फॉर देयर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आर इन दी चेंज सॉरी चार्ज ऑफ डिलीवरिंग वर्ल्ड क्लास फीचर्स ऑफ आवर प्लेटफॉर्म। मतलब फिर यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रोल है तो यहाँ पर स्किल्स भी रिक्वायरमेंट होगा। सर स्किल्स के रिक्वायरमेंट है जावा आपको आने ही आने चाहिए और डिजाइनिंग में MySQL प्रॉब्लम सॉल्विंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एंड डिजाइन पैटर्न। तो ये सब कुछ आप लोग रेज्यूमे में एड कर देना अगर आप लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि वंस यू अप्लाई ना आपके पास एक कन्फर्मेशन मेल देखने को आएगा, देन आफ्टर यू आर सपोज टू अटेंड द डायरेक्ट इंटरव्यू ऑन 23 नवंबर। आर गेटिंग अ पॉइंट। डेस्टिनेशन आपका होने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब लोकेशन नोएडा। क्वालिफिकेशन बीटेक एमटेक एमसीए बैच 2023। इंटरव्यू मोड फिजिकल होने वाला है। जॉब टाइप वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉइनिंग इमीडिएट। और अप्लाई करने के लिए आपको सिंपलीमेंट कैंडिडेट का नेम आपको मेंशन करना है, आपका जो भी नाम है वो मेंशन करना है, फुल नेम मेंशन करना है, ओके। देन आपको आपका ईमेल एड्रेस मेंशन करना है। मैं बस ऐसे ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अटेंड करना नहीं है, ओके। और यहाँ पर आपको नीचे आना है, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको जो भी आपका वो डाल देना है। यूनिवर्सिटी का आपको नेम लिखना है, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, फुल फॉर्म लिखना है, अपने कॉलेज का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम, या फिर आप दोनों ही मेंशन कर सकते हो। लाइक आप लोग ऐसे मेंशन कर सकते हो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी आप लोग यहाँ पर जो है कॉपी करके पेस्ट होता है क्या, पेस्ट देख लेता हूँ मैं। यस यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर देना और यहाँ पर आप लोग कॉलेज का नाम मेंशन जो है कर देना, जो भी आपका नाम है वो मेंशन आपको करना है, ओके। और यहाँ पर आपको नीचे ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है वो मेंशन करना है, ओके। एडुकेशन परसेंटेज या CGPA आपका जो भी है तो आपको डाल देना है। मान लो आपका परसेंटेज अगर आपका CGPA है तो आपको डालना है एडुकेशन परसेंटेज या CGPA जो भी आपका वो डाल देना है, परसेंटेज वो डाल देना है जो भी आपका परसेंटेज है, ठीक है। नंबर ऑफ डे रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो इमीडिएट, ओके। अच्छा नंबर लिखा हुआ है 0 लिख दो या फिर नंबर ऑफ डे रिक्वायर्ड टू ज्वाइन 0 डेज कर दो या फिर 1 डे कर दो। सैलरी एक्सपेक्टेशन आप लोग डाल देना 4 to 5 LPA, ठीक है। गूगल ड्राइव का आपको लिंक डालना है, आप लोग पहले गूगल ड्राइव में अपने फोटोज को सेव कर लेना रिज्यूमे को, उसके बाद आप लोग जो है वहां से आप लोग लिंक क्रिएट करके आप लोग पब्लिक लिंक आपको एक्सेस करना है, ठीक है। और प्लीज़ कंफर्म आपको यहाँ पर येस करना है, फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना, फिर इस पर रिस्पॉन्स जो है सबमिट हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका एप्लीकेशन और रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बेसिस ऑन रेज्यूमे। आपके पास फर्दर मेल देखने को मिलेंगे टू अटेंडिंग द इंटरव्यू ऑन 23 नवंबर ऑन नोएडा लोकेशन, ओके। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर वीडियो। अब फिर प्रिपरेशन के लिए आप लोग जो है जो भी मेंशन किया गया स्किल्स को ना, बस आप लोग इसके लिए प्रिपरेशन करना। और यहाँ पर आपका इंटरव्यू होने वाला तो डायरेक्ट यू आर गोइंग टू गिव योर इंटरव्यू बेसिस ऑन देयर रिक्वायरमेंट, ओके। और रेज्यूमे जो भी आपने मेंशन कर रखा उसे प्रिपेयर कर लेना। दैट सेट मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद जय भारत।